दिस हिंदी न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय DDS Academy. DDS Academy, द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन नागपुर फॉर JEE NEET. सोमवार को गंगा जमुना के एक देह व्यापार अड्डे में राजस्थान से लाई गई एक नाबालिग को देह व्यापार के दलदल में धकेले जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को मुक्त कराया, जबकि दो महिला दलालों को भी गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार महिला दलाल का नाम अकोला निवासी राधा संतापे और हजरी उर्फ कजरी कर्मावत, जो कि राजस्थान निवासी है. अड्डे से मिली 16 वर्षीय किशोरी को करीब 20 दिन पहले राजस्थान से लाया गया था. गंगा जमुना बस्ती में देह व्यापार को लेकर आंदोलन होने के बाद वहां पर पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है. बंदोबस्त में हर रोज 5 से 10 जवान तैनात रहते हैं. इस इलाके में पुलिस का करीब 1 साल से बंदोबस्त लगा है. इसके बाद भी देह व्यापार अड्डे पर नाबालिग को लाकर देह व्यापार कराया जा रहा था. लकड़गंज थाने की पुलिस निरीक्षक अमिता जयपुरकर के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई. पुलिस के अनुसार एक सामाजिक संगठन ने लकड़गंज पुलिस को गुप्त सूचना दी कि गंगा जमुना बस्ती में कर्मावत और राधा नामक महिलाओं ने राजस्थान की एक 16 वर्षीय किशोरी को लाकर उसे देह व्यापार की दलदल में झोंक दिया है. इस नाबालिग से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है. सामाजिक संगठन से खबर मिलते ही पुलिस निरीक्षक अमिता जयपुरकर के पुलिस दस्ते ने गंगा जमुना बस्ती में छापा मार्गदर्शन में मारा और दो महिला दलालों को दबोच लिया. किशोरी को हिरासत में लेकर उसे फिलहाल महिला सुधार गृह में भेज दिया गया है. दोनों महिला दलालों पर लकड़गंज थाने में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. काल रोजी एका मुलीकडनं देह व्यापार करून घेतला अशी गुप्त माहिती आम्हाला मिळाली होती. त्या अनुषंगाने आम्ही छापा कारवाई केलेली आहे. त्यामध्ये एका पीडित मुलीची सुटका केलेली आहे आणि दोन महिला आरोपींना अटक केलेली आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे आम्ही छापा केलेला आहे. त्यामध्ये एका पीडित मुलीची सुटका केलेली आहे. ते तपासामध्ये निष्पन्न होईल. पीडित मुलीचा आम्ही जबाब नोंदवणार आहोत. त्या अनुषंगाने पुढील कारवाई होईल. कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी, BCN न्यूज, नागपूर. This Hindi news was brought to you by DDS Academy.